नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भारत ही नहीं विदेशों में भी है होली की धूम। रंगों का पर्व होली। होली का नाम सुनते ही मन में लाल, पीले, नीले, हरे, जामुनी, गुलाबी रंग उड़ते दिखाई देने लग जाते हैं। हो भी क्यों ना, यह पर्व रंगों के साथ जीवन में खुशियों भरा माहौल लेकर आता है। होली का पर्व केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी धूमधाम से मनाया जाता है। गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष को समाप्त कर हर कोई एक दूसरे को रंग लगाता है। हर देश में होली मनाने के तरीके चाहे अलग अलग हैं, परंतु इस पर्व का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे संग प्यार की भावना को बढ़ाना है। तो आइए आज हमको बताएं कि भारत और विदेश में कहां कहां किस किस ढंग से होली का पर्व मनाए जाने की परंपरा है। मथुरा की लठमार होली है विशेष। भारत में होली मनाने की परंपरा बेहद प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण के काल से ही भारत में होली मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। लाल, पीले, हरे, नीले, गुलाबी व अन्य रंगों से तो सारे भारत में ही होली मनाने का चलन है, परंतु कई स्थानों पर सूखे रंग और कई स्थानों पर पानी में रंगों को मिलाकर होली खेलने का चलन है। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर तो रंग बिरंगे फूलों से भी होली खेलने की परंपरा आज भी कायम है। कई स्थानों पर तो इस पर्व से पहले होलिका दहन भी किया जाता है। परंतु उत्तर प्रदेश के मथुरा यानी कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी की लठमार होली तो सभी के लिए विशेष है। इस होली को देखने खेलने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग खास तौर से पहुँचते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण महिलाओं का बेहद सम्मान करते थे। किसी भी मुसीबत के आने पर वह दौड़े चले आते थे। लठमार होली में भी श्री कृष्ण ने इसी संदेश को समाहित किया हुआ है। जब श्री कृष्ण साथियों संग बरसाना में होली खेलने आते थे तो राधा अपनी सखियों संग बांस की लाठियों से उन्हें दौड़ाती थी। पुरुष अपना बचाव करने के लिए ढाल का प्रयोग करते थे। यह परंपरा उसी समय से प्रचलित है। मौजूदा समय में भी इस क्षेत्र की महिलाएं लठमार होली को बेहद उत्साह से मनाती हैं। स्पेन और इटली में खेली जाती है टमाटरों की होली। भारत में जहां रंगों, फूलों व लठमार होली बेहद प्रचलित है, उसी तरह स्पेन की होली भी समूचे विश्व में बेहद मशहूर है। यहां पर होली को ला टोमाटिना के नाम से जाना जाता है। हर साल अगस्त माह में ला टोमाटिना पर्व मनाया जाता है। इस उत्सव में सभी लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं। इसके अलावा इटली में जनवरी माह में होली की तरह ऑरेंज बैटल के नाम से उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में स्पेन की तरह ही लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंककर अपनी खुशियां मनाते हैं। थाईलैंड में सांग कान उत्सव होता है विशेष। थाईलैंड में नववर्ष पर सांग कान उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह पूर्ण तौर से भारतीय होली पर्व के समान ही मनाया जाता है। हर नागरिक एक दूसरे पर रंग लगाकर अपनी खुशियों का इजहार कर एक दूसरे को नववर्ष की मुबारकबाद देता है। अजीबोगरीब कपड़े पहनकर मनाया जाता है पर्व। जर्मनी के रेनलैंड शहर में माह अक्टूबर में होली की तरह पूरे एक सप्ताह तक पर्व मनाए जाने की परंपरा है। इस उत्सव में लोग अजीबोगरीब तरह के कपड़े पहनकर एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। इस पर्व के दौरान मजाक उड़ाने का कोई भी बुरा नहीं मनाता। रोम में मनाया जाता है रेडिका पर्व। रोम में रेडिका पर्व को होली के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व काफी हद तक भारत के होलिका दहन परंपरा से प्रभावित कहा जा सकता है। इस उत्सव के दौरान सभी लोग किसी ऊंचे स्थान पर इकट्ठा होकर लकड़ियां एकत्रित करके उसे जलाते हैं। इस दौरान जलती लकड़ियों के चारों तरफ लोग झूमते, नाचते और गाते हैं। दक्षिण कोरिया में मनाया जाता है मड उत्सव।
दक्षिण कोरिया में बोरयांग मड उत्सव होली की तरह माह जुलाई में धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान लोग एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं। इतना ही नहीं, इस उत्सव के दौरान कीचड़ के भरे विशाल टबों में लोग तैरकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है वाटरमेलन उत्सव। ऑस्ट्रेलिया में हर 2 साल के बाद लोग फरवरी माह में वाटरमेलन उत्सव मनाते हैं। यह पर्व भी होली की तरह ही मनाया जाता है। इस उत्सव में सभी लोग एक दूसरे पर तरबूज फेंककर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। सो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि भारत ही नहीं विदेशों में भी होली की धूम है। सो दोस्तों, हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।